हेलो एवरीवन, कुकिंग विद पूजा में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज मैं चना का साग बना रही हूँ। उसके लिए चना का साग ले, बथुआ और अदरक और चार हरी मिर्ची हम डाल देंगे। इसमें थोड़ी सी पानी देके हम तीन चार सीटी लगवा लेंगे। जब अच्छे से ये चना का साग गल जाए, फिर हम इसे ठंडा करके इसे अच्छे से पीस लेंगे। अब हम इसमें तड़का लगाएंगे। ये चना का साग खाने में काफ़ी हेल्दी है। अब हम लहसुन और हरी मिर्ची लेंगे और कढ़ाई में तेल गरम होने के लिए रखें। अब एक चम्मच हम इसमें आटा लेंगे और इसमें एक चम्मच पानी डाल के इसे थिक बैटर में घोल लेंगे। आपके पास अगर मकई का आटा हो तो वो भी डाल सकते हैं आप। मैंने गेहूं का आटा डाला है। अब इसमें हम तेल डाल के इसे अच्छे से कड़का लेंगे, हरी मिर्ची और लहसुन को। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। जब ये अच्छे से लाल लाल हो जाए, फिर इसमें हम साग डाल देंगे और इसे अच्छे से हम भूंज लेंगे। थोड़ी देर भूंजने के बाद इसमें जो हमने आटा घोला है वो डाल देंगे हम। ये खाने में काफ़ी यमी लगता है और काफ़ी हेल्दी है। पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। इसे मैंने मकई की रोटी के साथ में सर्व किया है, दही और सलाद के साथ में। एक बार आप ज़रूर बना के इसे ट्राई करें। ये खाने में काफ़ी यमी और काफ़ी हेल्दी है।